राहुल, ये है मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा, ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। राहुल बेटा, 8 बज गए, उठ जाओ। ये बच्चा भी ना इतनी देर तक सोता है। यह है मिस्टर राहुल शर्मा, मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा के इकलौते पुत्र। मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए ये अपने बेटे के लिए माँ और बाप दोनों ही हैं। ये रोज सुबह उठकर ऑफिस जाने के पहले अपने साहबजादे के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम भी करते हैं। ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उसको कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो इसका पूरा पूरा ख्याल भी रखते हैं। राहुल बेटा, राहुल 8 बज गए हैं, अरे अब तो उठ जाओ। देखो मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, उठ जाओ। शाम डैड, रात को नींद पूरी नहीं हुई डैड, सोने दो ना डैड, प्लीज डैड। अरे बेटा, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाऊंगे तो नींद पूरी कैसे होगी बेटा, उठ जा। डैड प्लीज, थोड़ी देर डैड, सोने दो ना डैड। अरे उठ जा, शाबाश, उठ जा बेटा, चाय पी लो बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, सुबह सुबह ऑफिस आपको जाना होता है, मुझे नहीं, और मेरा कॉलेज तो इवनिंग का है। 500 रुपए? अरे बेटा, पिछले हफ्ते तो तुझे 500 का नोट दिया था। पिछले हफ्ते? ओह कम ऑन डैड। बेटा, तुम तो जानते हो मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ और जितना मुझसे बन पड़ता है मैंने तुम्हारी जरूरतें पूरी भी की हैं। ओह व्हाट नॉनसेंस डैड, मेरा भी कॉलेज में कुछ स्टैंडर्ड है जो मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा बेटा, डैड चलता हूँ। डैड सुनो तो। अरे डैड यार, बात समझने को ही नहीं तैयार डैड की। डैड डैड मेरी बात तो सुनो। डैड डैड लिसन डैड, मैं आपके तरीके से छोटी मोटी नौकरी तो करने से, और मेरे लिए ना इस 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, और यही दिन दिखाने थे तो क्यों करवा इस कॉलेज में एडमिशन, करवा देते ना किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन। रिया, हेलो बेबी, आज सुबह सुबह तुम तो मुझे याद करते नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें याद कर लूं। ओह हेलो मैडम, कल रात को तो रात के 2 बजे तक बात करी थी आपसे, और आपके चक्कर में सुबह सुबह लेक्चर भी सुनना पड़ गया डैड से। ओह मैं क्या कह रही थी कि आज पैसिफिक मॉल मिले क्या? मॉल में? हाँ, कितने बजे आना?
एक बजे मिलते हैं। एक बजे? ओके। तो उसके बाद मूवी चलते हैं। हाँ पहुँच जाऊँगा बेबी, मैं बिल्कुल पहुँच जाऊँ। ओके बाय जानू। ओके बाय। बाय, लव यू। लव यू, बाय। डैड, लिसन डैड, मैं आपके तरीके से छोटी मोटी नौकरी तो करने से, और यही दिन दिखाने थे तो क्यों करवा इस कॉलेज में एडमिशन, करवा देते ना किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन। क्या हुआ मिस्टर ओमप्रकाश, आर यू ओके? यस यस। अगर आप कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो तो घर जा सकते हैं। आपका काम हो जाएगा। ओके 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 ओके, थैंक यू मिस्टर शर्मा। आज आप फिर ऑफिस लेट आए। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। सर आप तो जानते हैं, जब से राहुल की मम्मी की डेथ हुई है घर का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है सर। सुबह उठ के उसके लिए नाश्ता बनाना, उसके लिए कपड़े प्रेस करना, बस सर इसी सब में देर हो जाती है सर। सॉरी सर। लिसन मिस्टर शर्मा, आप सुबह घर पे क्या करते हैं क्या नहीं इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप टाइम से सैलरी लेते हैं तो टाइम से ऑफिस भी आना होगा। सॉरी सर, मेरे लिए अपने बेटे को प्यार देना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी उसे अपनी माँ की कमी महसूस। और ऐसे बच्चे जिनकी माँ नहीं होती वो बताते नहीं पर भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं सर, और इस बात को भला मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है सर। ओ कम ऑन मिस्टर शर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इमोशनल बातें यहाँ बिल्कुल नहीं चलेंगी। और खैर बताइए क्या काम था सर। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी सर। फिर से? अभी तो आपने पिछले महीने लिए थे। सर मैंने अपने बेटे के लिए लोन ले रखा है सर, उसे कुछ किस्तें बाकी हैं, और जब से वो कॉलेज जाने लगा है ना उसे खर्चे काफी बढ़ गए सर, तो फिर आप तो जानते हैं। अच्छा बाबा हो गया, मैं इमोशनल हो गया, अब आप जा सकते हैं और जाके मिस्टर पांचाल से पैसे ले लीजिएगा। बेटा एक गिलास पानी तो पिला दो। थैंक यू बेटा। बेटा मैं तो पूछना ही भूल गया था, तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? कम ऑन डैड, डैड आप परेशान क्यों हो रहे? जब होगा तो मैं बता दूंगा ना आपको। नाराज क्यों होते हो बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था।
लो बेटा। अरे यार एक्सक्यूज मी डैड, मैं भी आया। हेलो रिया। हाँ तुम घर पहुँच गए? हाँ पहुँच गए। और तुम? हाँ मैं तो आ गई। यार मैंने तुझे कितनी बार बताया था ना कि शाम को डैड घर पे होते हैं, फिर भी तूने मुझे कॉल कर दिया। यार जब मुझे तुझसे बात करनी होगी तो मैं तुझे कॉल करूँगा ना। यार कल भी कॉलेज बंक करके ना शॉपिंग के लिए चलते हैं। यार अभी मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। यार क्या जब देखो तब तुम लड़कियों की तरह शिकायतें करते रहते हो, तुम्हें तो लड़की ही होना चाहिए था। रिया देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे कल मिलना है तो मिलना है। रिया सुनो तो। रिया 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 ओके बाय। अरे यार अरे डैड मैंने खाना खा लिया है, आप भी खाना खा लेना। ओके गुड नाइट। हेलो। हाँ जी मैनेजर साहब। अरे सर मैं आज पक्का जमा करवा दूंगा जी सर, बस आज का टाइम दीजिए सर प्लीज। हाँ थैंक यू सर, बस मैं अभी जमा करवाता हूँ सर प्लीज। बेटा राहुल ये काम करो, ये 15,000 रुपये इसे बैंक में जमा करवा देना याद से, ठीक है ना? तो बेटा मुझे ऑफिस को देर हो रही है, मैं चलता हूँ। और हाँ पिछली बार तुमने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे इसमें से, ध्यान रखना बेटा, आज ये पैसे बैंक में जमा करवाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना ठीक है? ओके। और हाँ चाय पी लेना रखी है, ठीक है बेटा? थैंक यू। आई कैसी हूँ? एकदम बढ़िया। चलो जाओ। अच्छा खुश हो सर। बढ़िया एकदम। यार वैसे कुछ भी हो क्लास बंक करने में ना अलग ही मजा आता है। हाँ यार मैं भी रोज रोज की पढ़ाई से थक चुका हूँ, पता नहीं किस कंबक ने पढ़ाई की शुरुआत की। Yes, right. बेटा शुरुआत किसी ने भी करी हो साले तेरे लिए तो कति नहीं है। आज तो किसी और टॉपिक में बात करो। सच में यार कम से कम एक कॉलेज और बुक्स का टॉपिक तो हटाई दो, कोई नया टॉपिक। Yes, right. बिल्कुल right. ओ, वैसे पता है हाँ, सही बोल रही है। अरे भाई पता है पिछली बार ना मैथ्स के एग्जाम से पहले मुझे बहुत टेंशन था, उसने पता मुझे क्या एडवाइस दी? क्या बोला कि भैया एग्जाम से पहले टेंशन क्यों लेते हो? मैंने नहीं ली टेंशन भाई, वही पढ़ो। उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या हुआ? पर कमीनी खुद टॉप कर गई, मैं फेल हो गया। ओ हेलो, इसने कौन से तुम लोग का हाथ पर बांध दिए थे हैं? खुद के पास कॉमन सेंस नहीं क्या? उसे यूज किया करो।
अरे अरे कूल 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 मोहतरमा हमारे ग्रुप की कप्तान कूल। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे ओ और दिन अच्छी नहीं लगती क्या ये? हाँ लगती है लेकिन अरे तुम लोग उसकी खिंचाई क्यों कर रहे हो? बेचारे को अपने दिल की बातें शेयर तो करने दो। मैं तो चुप रहा। अरे यार मैं तो तुम्हारे कुछ खाने के लिए लेकर मैं तो भूल ही गई। हाँ भूख तो लग रही है। अरे शर्माते क्यों? लो खाओ ना। फ्रूट फ्रूट तुम भी तो लो। नहीं यार एक काम करते हैं आज हम लोग डिनर यही करते हैं। कुछ भी तंदूरी चिकन भी तो है। तंदूरी चिकन जो मंगवाना जल्दी मंगवा भूख लग रही है। चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बोल दिया। हाँ चिकन बिरयानी जल्दी हाँ, करवाना थोड़ा जल्दी करवा। आप जल्दी ऑर्डर भिजवा दीजिए। अच्छा ये बता कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। हां चल यार देख रहे भूख लगी है। करी लो यार कोई। जल्दी यार करिए यार भूख लग रही है। मैं वॉशरूम होकर आता हूं। ओके खाना ले लेगा उससे। ठीक है गुड इवनिंग मैम। ये क्या हरकत है भैया? एक घंटे पहले आपको ऑर्डर किया था। आपका होटल 100 मीटर की दूरी पे और आपको एक घंटा लगता है लाने में। मैडम प्लीज मैडम एक्चुअली बाहर बारिश बहुत हो रही है मैडम इसलिए थोड़ी देर हो गई। सॉरी मैडम। तो मतलब रिस्पांसिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है? सॉरी मैम। सॉरी माय फुट। आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि एक घंटे से कोई आपका खाने का वेट कर रहा है और आप आराम से आ रहे हैं। क्या हो रहा? कुछ नहीं यार। कितने हुए आपके? राहुल तुम डैड आप डैड डैड आप तो कहते थे कि आप किसी ऑफिस में जॉब करते। डैड ये क्या है? डैड डैड वो क्या है ना सर कि मुझे अपने बेटे को बहुत पढ़ाना है। मैं नहीं चाहता कि पैसों की कमाई उसकी पढ़ाई के आड़े आए इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब ये सब करता हूँ सर। मुझे टिप दे दीजिए सर। मुझे टिप दे दीजिए सर। मैडम ने आपको कहा है ना सर मुझे टिप दे दीजिए। Thank you.
ये मेरे बाप है, ये मेरे लिए डिलीवरी मैन बन गए। गुड मॉर्निंग डैड। डैड उठ जाओ ना, कितनी देर तक सोओगे आप, उठो चलो उठो। राहुल ओ कम ऑन डैड, कितने देर तक सोता, उठ जाओ डैड, जोर जोर प्लीज डैड 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 चाय तैयार है। डैड लो डैड चाय। डैड मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया, आप जरूर खा लेना। बाय डैड डैड बाय। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है तेरा, मेरा बेटा ठीक हो गया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए भगवान तुझसे।